अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। ये मर चुकी है मिश्रा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो और इस होटल के मैनेजर को बुलाओ। जी साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूं इस होटल का मैनेजर। मुझे इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए और ये कौन से फ्लोर पर ठहरी हुई थी? 5th फ्लोर स्वीट रूम। मैनेजर साहब, इस कमरे की हालत देखकर लगता है कि इसमें काफी धमा चौकड़ी हुई है। जी सर। मिश्रा, तलाशी लो। लड़की जिस पोजीशन में मिली उससे लगता है कि या तो उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गई या फिर उसके साथ बलात्कार हुआ। साहब, ये देखिए। हाँ, इसका मतलब है कि वो लड़की ड्रग्स लेती थी या फिर सप्लाई करती थी। इंस्पेक्टर, मेरे यहां तो ये टूरिस्ट के रूप में रहती थी, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे आप बता सकते हैं कि कल सुबह से शाम तक इससे कौन कौन मिलने आया था? सर, ये खुद कल शाम 8 बजे आई थी, साथ में मुन्ना गाइड जो अक्सर अपने टूरिस्ट के साथ आता है, वो था। मुन्ना? और ये मुन्ना रहता कहाँ है? सर, घर तो मैं नहीं जानता, पर शिवालय मंदिर पे गंगा फुलवाली के पास अक्सर आता है। मिश्रा। आया साहब। गंगा फुलवाली के पास जाओ और उसे कहो कि मुन्ना को मैंने बुलाया। जी साहब। जाओ।
यार कल का कस्टमर साला बहुत कड़का था, जहाँ भी जाता बड़ा चिक चिक करता, कुत्ता पैसा भी पूरी तरह नहीं दिया। लेकिन एक बात है यार, यहाँ पे कुछ और ही है। इसलिए बोलता हूँ, दिन में भी कमा रात को भी, बोले तो मुन्ना गाइड सबसे तेज। गाड़ी चलो चलो रुको। हाँ बोलो साहब, किधर घूमने गए? मैडम साहब से गाइड चाहिए सर। पाँच पॉइंट आइए सर, आइए घूमने गए सर। मैडम गाइड लोगे? आइए सर, सर आइए। हेलो मैडम, आइए मैडम, आइए सर, आइए 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 सर। मैं मना बेटा आराम से। मैडम गाइड लोगे? आ जाओ बेटा आराम से, संभल के उतरना। आइए सर। हाँ आइए सर, वेरी गुड। हेलो सर, आई एम मुन्ना गाइड, आपको सारी जगह घुमाऊंगा सिर्फ 400 रुपए में, दिन भर आपके साथ रहूंगा। सब जानते हैं मुझे यहाँ पे मुन्ना गाइड सबसे तेज। पैसे ज्यादा बोल रहे हो सर। कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, दिन भर आपके साथ रहूंगा। फिर भी ज्यादा है। कितना दोगे आप? 200 रुपए। क्या सर, ना आपकी ना मेरी, 300 रुपए। पर पहले हम मंदिर जाएंगे। ठीक है सर। फूल ले लो। चलो आप लोग अंदर जाओ। ओ साहब फूल ले लो। ओ साहब फूल ले लो। फूल ए गंगा। हाँ हरीश कैसा है अब, बुखार उतरा कि नहीं उसका? पता नहीं, मैं सीधी यहाँ आई, अब जाऊंगी उसके पास, उसका दवा भी देना है ना। डॉक्टर ने बोला है कि चाय के साथ दवाई देना, ऐसा जल्दी होगा। हाँ हाँ मैं चलती है अब दवा देने। ठीक है तो निकल, मैं शाम को मिलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। साहब पैसा। साला एक तो गाड़ी गंदी कर दी, ऊपर से पैसा मांगता है। तेरे बाप की गाड़ी है क्या? पता नहीं सवेरे सवेरे कहां से आ जाते हैं मनु साले। साहब पॉलिश करोगे क्या? सादा पॉलिश 2 रुपए, क्रीम पॉलिश 3 रुपया। साहब लो कर दो। अरे पर आज तो तुम्हें स्कूल जल्दी जाना था। अरे स्कूल में देर हो गया तो चलेगा, पर साला धंधे में देर नहीं होना। आज चलता है, पैसा मिलता है। सादा पॉलिश 2 रुपया, क्रीम पॉलिश 3 रुपया। दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः। सर प्रकाश तुमने आज फिर देर कर दी, इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं। सर वो मैं सर धंधे पे था ना सर, इसलिए देर हो गई। अगर ऐसा ही करोगे तो स्कूल आना बंद कर दो। नहीं सर मुझे पढ़ना है सर। अभी ठीक है, बैठ जाओ। दो चौका आठ, दो चौका आठ, दो पंजे दस, दो पंजे दस, दो छिक बारह, दो छिक बारह, दो सत्ते चौदह। अरे टिल्लू कैसा काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर वरना सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं वो सली मेरे को बुलाई सेट करने का है। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए, आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, आज दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। क्या पक्या, अभी तक गंगा नहीं आई, गाड़ी मेरे को 2 घंटे में टेस्ट करके वापस देने का है यार। आइला यही तो इनका लफड़ा है ना यार। आइला ये देख आ गई गंगा। पक्या ये क्या बड़ी हेमा मालिनी बन के आई है, तुम लोग के लिए खाना लाने के लिए गई थी यार इसलिए लेट हो गई। अरे बहुत हो गया यार, चल जाके गाड़ी में बैठ। चल अनजान डगर अनजान सफर अनजान डगर अनजान सफर अनजान हमारी राह है मगर क्या किससे डरे कोई क्या करे क्या किससे डरे कोई क्या करे दिल में है आसमान जाए हवा कुछ ऐसे हम
मुन्ना गाइड को जानती है तू? हाँ। देख, उसको इंस्पेक्टर साहब ने थाने में बुलाया है। ठीक है। क्या साहब, इसका खून हो गया? अभी तय नहीं है। केस का मर्डर हुआ या इसने खुदकुशी की? लेकिन एक बात सच है कि मरने से पहले इसके साथ बलात्कार हुआ। क्या? बलात्कार? हाँ मुन्ना, तुमने कभी इसे ड्रग्स लेते या खाते हुए देखा? या फिर कभी किसी से फोन पे बात करते हुए कि? नहीं साहब, उसने अपुन के सामने ड्रग्स का कभी कोई जिक्र नहीं किया और ना ही खाया साहब। लेकिन कल रात को 8 बजे तुम उसके रूम में क्या करने गए थे? साहब, अपुन उसके साथ अपनी गाइड की मजदूरी लेने गया था, यानी पैसे लेने गया था साहब। ठीक है मुन्ना, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, नमस्ते साहब। ग्यारह बजे तक तो वो मेरे साथ में थी, ऐसे कैसे मर सकती है वो? उनको पुलिस ने बताया उसने सुसाइड कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ड्रग्स फॉरेनर और टूरिस्टों के जरिए आता है। जैन सर, हमें बस अड्डों पर भी काफी निगरानी रखनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पर कोई ड्रग्स का बहुत बड़ा डीलर है जो इनसे ड्रग्स खरीदता है और फिर पूरे देश में सप्लाई करता है। शायद तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जो मनुष्य या जो सेवक, जो भक्त अपना वचन देकर वचन निभाना ना जानता हो, उसे कभी सुख नहीं मिलता है मनुष्य जीवन में,
अत्याचार बुराई सहने वाला बहुत कमजोर होता है। अत्याचार और बुराई की संसार में इसकी कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो परिणाम। हरिओम हरिओम। सो मिस्टर स्मिथ। जी महाराज। इस बार कितने का माल लाए हो, कितना लाए हो? यू नो, अब ड्रग्स की डिमांड हमारे यहां बहुत होती जा रही है, हर दिन हर रोज बढ़ती जा रही है। स्वामी जी, इस बार हम 3 करोड़ की ड्रग्स लाए हैं। 3 करोड़ की ड्रग्स? वंडरफुल। लीजिए महाराज। वही है ना जो पिछली बार लाए थे, या उससे अच्छा माल लाए हो इस बार? हा? बहुत अच्छा है स्वामी जी। 15 दिन के बाद स्वामी जी हम इससे भी कहीं ज्यादा ड्रग्स लाएंगे। नाइस। जितना आपको चाहिए हम पूरा आश्रम ड्रग्स से भर देंगे। आपको माल की कभी कमी नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये स्मिथ का वादा है। सदानंद जी। स्वामी जी, ये ड्रग्स ले लो और पेमेंट की करवा दो। जी स्वामी जी। वेरी नाइस स्मिथ, सी यू सून। रुक। क्या है इसमें? कुछ नहीं। अरे छोड़ो मुझे। क्यों रे मुन्ना, आज बहुत कमाई हुई है ऐसा मुझे लगता है। हाँ बाबा, आज ना एक मस्त मालदार पार्टी आई थी, उसने अपन के काम पर खुश होकर अपन को बख्शीश दिया और बोला तो सब जानता है। वो तो है, तू वैसे भी इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता है। अरे बाबा, इसमें नया क्या है? अपुन जो एक बार सुना ना, साला वही जबान बोला। अब अपुन का क्या करना है, ये मंदिर काई को बना। अब जो सब लोग बोलता है ना, अपुन भी साला वही बोलता है। अब इसमें सच क्या झूठ क्या किसके बाप को पता, ये जो पैसा मिलता है ना वही है सबसे बेस्ट। मुन्ना तेरा तो ठीक है यार, पर अपुन का क्या? पढ़ता तो तेरे जैसा कुछ करता, साला बहुत हो गया, वही रोज का गाड़ियां धोना, ऊपर से पैसा भी नहीं मिलता, फिर भूखे सोना। अपने लिए भी कुछ देखना यार। अरे पुक्या, पगली बोल रही है, तेरा बाप तेरे माँ को मार रहा है। अरे यार चल मुन्ना, मैं आता है। क्या हुआ? अरे वही रोज का, अपना बाप साला फुकट दिमाग को ताप। चल मैं आता है। पैसा दे मुझे। कहाँ गया तेरा वो लाडला बेटा पकिया? अरे बता मुझे। ये बाप फुकट का क्यों चिल्लाता है रे? और साला माँ को क्यों मारता है? मेरा बेटा आ गया, मेरा लाडला बेटा। बेटा थोड़ा सा पैसा दे बेटा। माँ तू ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ, पक्या तू इसको पैसे मत देना। ए साली, क्या मेरा लाडला बेटा मुझे पैसा नहीं देगा? बेटा थोड़ा सा पैसा दे दे, गला सूख रहा बेटा, गला सूख रहा। ये ले बेवड़े और वापस घर मत आना। नहीं आऊंगा। हाँ पक्या, तूने सारे पैसे उसको दे दिए, अब तू बता हम खाएंगे क्या? और घर में भी कुछ नहीं है, क्या खाएंगे? माँ ये ले, मैंने कुछ रखे थे। इतने कम पैसे, इन पैसों से मैं क्या करूंगी, क्या होगा? और घर में भी तो कुछ नहीं है, क्या होगा इन पैसों से? ला दे, मैं ही कुछ ला दूं। बाबा पक्या का बाप उसकी माँ को हर रोज मारता है। पगली इतनी परेशान थी ना। क्या पक्या, क्या हुआ? वही चरे जो कल हुआ, फिर आज हुआ, और साला कल भी होगा। माँ की एक अपना जिंदगी साला कुत्ते की माफी के, ना घर का ना घाट का। अरे छोड़ना पक्या, अपनी तो साली जिंदगी ऐसी, कमाओ ऊपर से भूखे मर। पर आज ऐसा नहीं होगा, आज अपन नैश करेंगे। क्या खाना खिलाएगा? खाएगा। हाँ, आज अपन मस्त बिरयानी खाएंगे। कई दिन हो गया साला पेट भर खाना ही नहीं खाया। क्या मुन्ना खाना? अरे खाना। चलो मस्त मजा करते। अच्छा बाबा। अरे ओ अडला, जरा फड़का मार और मस्त ठंडा पानी लेकर आ। मुन्ना आज बहुत मजा आने वाला है। क्या गर्मा गर्म? सब गर्म है। बोलो क्या खाओगे तुम लोग? शर्मानी का नहीं बिंदास बोलने का रोकड़ा है अपन के पास। बहुत ही सच्चा खाना नहीं खाया यार। मुन्ना बहुत मजा आने वाला है। आ गया, आ गया। ए बिरयानी इसकी पाव।
बुद्धि पाओ, आ जाओ खाना। नहीं तू खा। बहुत अच्छा है। खाओ खाओ। तुम लोग पेट भर खाया ना, अब हम लोग बड़े लोग के माफिक ठंडा पियेंगे। बोल टिल्लू क्या पिएगा? अपुन तंजाप। मुझे भी वही, वो डका रहता है तो बड़ा मजा आता है। तुम लोग भी वही थम्स अप, ठीक है? पेट भर गया यार। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। कोई टांगना है तो वही उसको धोने का। मेरा चलता है जूता ही चमकता है, हाथ मेरा चलता है जूता ही चमकता है, फिर मुझे पूछता है कितना रे? वही रे, सादा पॉलिश 2 रुपया, क्रीम 3 रुपया। छोड़ रे, टेंशन नहीं लेने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। कोई टांगना है तो वही उसको धोने का। कपड़ा मेरा जो हिलता है चमकता है उसका गाड़ी, सब पैसा दिया तो मेम साहब बीच में बोली, अरे इतना काहे को देने का? नहीं देगा पैसा तो जिएगा कैसा? छोड़ रे। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। कोई टांगना है तो वही उसको धोने का। जिंदगी की गाड़ी का फंडा है निराला, अंधेरी सड़कों पर है लाइट फुटेला। जिंदगी की गाड़ी का फंडा है निराला, अंधेरी सड़कों पर है लाइट फुटेला। पेट्रोल बिना डब्बा है गाड़ी, अपने जिंदगी का अंदाज है निराला। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। खाने का, पीने का, मस्त मस्त जीने का। कोई टांगड़ा है तो वही उसको धोने का। अब भी वक्त है, बता दे ये 3 करोड़ रुपए तेरे बैग में कहां से आए? मुझे नहीं मालूम ये 3 करोड़ रुपए मेरे बैग में कहां से आ गए। अच्छा साले, तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है 3rd degree का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हरिओम हरिओम। ये ड्रग्स वाली समित का क्या हाल चाल है आजकल? स्वामी जी, पुलिस 3rd degree इस्तेमाल कर रही है, 1-2 दिनों में टूट जाएगा। मामला बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर है मामला।
अवस्थी जी भी हिंदुस्तान से बाहर गए हुए हैं, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, सुमित का हरिओम कर दो। ए, ये ले चाय पीले। क्या मुन्ना, आज जल्दी आया? क्या तुझे देख रहा था। काई को? क्या हुआ? पता नहीं। अरे लड़की सुनो, ये चरणदास बाबा का योगा केंद्र कहाँ है? यहाँ से सीधा जाओ, फिर बाएं मुड़ो, फिर सीधा जाके सामने वाले गली में मुड़ो, बस वहीं पे है। हाँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझी, तुम प्लीज मुझे वहाँ छोड़ दोगी? मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। ए गंगा, पक्का मिले तो उसे बोलना मैं बाबा के वहाँ हूँ। चलो मैडम। चलो। मैं मुन्ना, सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, मुन्ना गाइड सबसे तेज। ओह, तो तुम गाइड हो? हाँ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी मुझे। ये है ना बड़ा रास्ता है, यहाँ पर हर साल रथ यात्रा निकलती है, और वो है ना वहाँ पे माता का मंदिर है, अगर आपको देखना रहेगा तो मुझे बताना। आज तो नहीं हो पाएगा, फिर कभी देख लेंगे। आज मैं सबसे पहले योगा केंद्र जाऊंगी। आप यहाँ पर योगा करने आए हो? सीखने। लो आगे आपका योगा केंद्र। स्वामी जी, स्वामी जी आओ। मुन्ना आओ, कैसे हो? वो सदानंद ने मुझे कहा है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ मुन्ना, ये कुछ पैकेट्स हैं, लिखे हुए एड्रेस पर पहुँचा दो। जी। ध्यान रखना, पुलिस बहुत चकन्नी है। आप बेफिक्र रहिए, मेरे दोस्त लोग बहुत होशियार हैं। जी स्वामी जी। गुड लक। टिल्लू, अरे हरीश मिले तो उसे बोलना, अपन उसे पूछ रहा था। हाँ मैं बोलेगा। ठीक है चल। चल दादी। बैठ दादी। दादी आज पूजा का दिन है, आज अच्छी कमाई होगी। अरे हरीश, मुन्ना तेरे को देख रहा था। पर काय को? क्या मालूम, साथ में वो बस्ती वाला भी था। अरे टिल्लू, इतनी गाड़ी पहुंच के चलते। चल करना जल्दी। ये ले मुन्ना, तू पूछा मेरे को? हाँ, एक काम आए लाए, पर भारा। कहाँ जा रहे हैं? देखे काम आए, तूने कहा था ना तुझे काम चाहिए, बस उसे आराम से करना, टेंशन मत ले। कैसा काम? अरे वो बस्ती वाला भाई है ना, उसने माल दिया, बस उसी को पहुंचाने का है। तो? नहीं यार, वो साहब लोग ने ना मुझ पे नजर रखा है, मैं जा ही नहीं सकता, पर मैंने भाई को कहा है कि मेरा दोस्त आ रहा है। क्या मैं? तूने कहा था ना कि तू काम करेगा, बस माल सरका देने का, किसी को शक ही नहीं। तो क्या करना है? एक काम कर, टिलिया को अपने साथ ले ले, फिर तो किसी के बाप को भी शक नहीं होगा। पर पैसा मिलेगा ना? तू चुप बैठ साला, पर पंगा हो गया तो? कुछ नहीं होगा रे, टेंशन मत ले। हम गंगा को भी साथ लेते हैं। ठीक है, उसी के माल में माल डाल देना। तो कब पहुंचाना है माल? आज शाम को। एक काम करो, तुम निकलो अभी। ठीक है। क्या मुन्ना, बड़ी देर कर दी। अच्छा बोल, क्या करना है? ये ले माल, वो बाबा की धुनी के पास ना एक आदमी रहेगा, उसी को माल देने का और उसी से पैसे लेने का है। हाँ गंगा, टोकरी दे। एटिली हरीश, तू उधर से जा, गंगा हाँ। तू इधर से निकल, अपन बाबा के वहां मिलते हैं। अच्छा ठीक है चल।
ये देख पगली, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, ये ले, लेना माँ। क्या रे पकिया, ये सब क्या है? कुछ नहीं माँ, खाना है। कहाँ से लाया, तूने चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, आज अपुन और वो हरीश थोड़ा काम किया ना, उसका ही से लेना। हाँ, और साथ में ये भी रख, ले। कल सवेरे अपने को जल्दी जाने का, अपन का परीक्षा है। कौन साला परीक्षा देता है? हाँ, कोई परीक्षा और इच्छा नहीं, सिर्फ काम और माल। और मेरे को पढ़ने का है ना? पढ़कर कुछ नहीं होता, देख मुझे देख, मैंने क्या किया? हाँ साला एक नौकरी तक नहीं मिली, पढ़कर कुछ नहीं होता। चल हट। अरे बाप, ये लो साहब, फूल ले लो। कितने का है? 10 रुपए टोकरी। यहाँ ये लो, मुझे भी एक देना। ये लो साहब। ए साहब, क्या करता है? क्या हुआ? बस फूल ही तो ले रहा हूँ। शर्म नहीं आती क्या? हाथ लगाता है साला। अरे हाथ लग गया तो क्या हुआ? समझता है अपने को किसका हाथ कैसे लगता ले। है हाँ, तेरे को माँ बहन नहीं है क्या साला? मंदिर में आया फिर भी। मुक्तानंद महाराज की जय हो। अरे आइए आइए मंत्री जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या बात है भाई, जन्नत की सैर करना तो कोई आपसे सीखे। आइए मीरा जी, कहिए कैसे आना हुआ? बस इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, आपकी सहायता बगैर हम जीत भी नहीं पाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। बजाज और संघानी से मैंने बात कर ली है, बाकी लोगों से भी बात कर लूंगा। अच्छा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बार आपकी पार्टी के चंदे के लिए मैंने 10 लाख की राशि सोची है। धन्यवाद गुरुजी। वैसे मंत्री जी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है, बहुत शिकायत है। क्या? पिछले साल हमारे फॉरेन टूरिस्ट ड्रग्स के केस में पकड़े गए थे, अभी तक उनका बेल नहीं हुआ है। अरे बेल को छोड़िए, मैं उन्हें छुड़वा के आ रहा हूँ, अभी तक तो वो फ्लाइट भी पकड़ चुके होंगे। Really? हाँ जी। हरिओम 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 हरिओम। फिर तो आप इनाम के हकदार हैं। देखिए अब हमारी भी मेहमान नवाजी। पूर्णानंद जी, स्वामी जी, प्रीता ले जाओ और इन लोगों की सैर करवाओ। जाइए। क्या कहूँ जलवा तेरा, तुझ में नशा तू जादू है। तुझ पे फिदा सारा जहां, तू आठवा जुबा। शराबी होट कबाबी, आशा के मुझको ये चखना चखा दे, मुझको पिला दे, बात बना दे, शाम में तेरे मेरे दिल को घुला दे।
नशीला बदन न झूले सजन न मिट जाए ये दिल की चुभन नशीला बदन न झूले सजन न मिट जाए ये दिल की चुभन मेरी जुल्फों में रंगे न राते इन रातों में सुबह है तेरी मेरी जुल्फों में रंगे न राते इन रातों में सुबह है तेरी मेरी सांसों में ए, ले तेरा टेबल साला ये कुछ काम का ही नहीं है मैं बताऊं तेरे को कौन काम का चल उठ उठल सब छोड़ो साहब सब सब प्लीज साहब सब छोड़ दो आप उनको साहब तुम साला फड़वा लोग पत्ता खेलता है अरे नहीं साहब खाली खाली टाइम पास कर रहा था अच्छा फिर ये क्या है अरे खाली खाली टाइम पास है साहब लफड़ा काई को बढ़ाने का मांडवली करते हैं ना साहब साला मांडवली की बात करता है कितना है निकाल सब सब निकाल निकाल सब अरे साहब जल्दी से साहब साहब क्या स्वामी जी पुलिस ने बच्चों को पकड़ लिया क्या उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत मेरे बच्चों को हाथ लगाता क्या वो जानता नहीं वो बच्चे हमारे काम के हैं आप परेशान क्यों होते हैं स्वामी जी भाई को फोन लगाइए वो सब ठीक कर देंगे गुरुदेव पुलिस वालों के सामने आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखिए और आप ऐसा मत करिए स्वामी जी ठीक है सब छोड़ दो साहब अरे मुन्ना तू तू भी जुआ खेल रहा था स्वामी जी फोन लग गया नमस्ते दादा क्या बात है बहुत काम चल रहा है अरे बैठो बैठो अरे कुछ नहीं ये भड़वे साले वहां जुआ खेल रहे थे अरे अपने ही बच्चे हैं अरे हवलदार छोड़ दो इन बच्चों को मेरे को तो खाली पीली मारा अबू ने क्या किया साला बाजू में बैठा था मैं गुरुजी कहता है चोर का दोस्त चोर अरे उससे अच्छा ही कुछ करो फिर मार खाओ तो साला कुछ नहीं लगता अरे उसमें अपुन का क्या गलती था अरे छोड़ पकिया टेंशन मत ले कल बॉस बुलाए मुन्ना अपुन भी आएगा हाँ चल अब तक क्यों नहीं आया पकिया
क्या रे पकिया, कहाँ था दिन भर? स्कूल बैग भी तेरा घर पर था, स्कूल नहीं गया? और काम का क्या? नहीं माँ, अभी स्कूल भी स्कूल सब बंद, आज से सिर्फ काम करने का, बड़ा काम। क्या? तेरी बात मेरे को कुछ समझ में नहीं आती। इसे क्या हुआ? आज घर पर ही खांस रहा है कब से? सारा पैसा उड़ा के आया तभी इस घर पर आया, और साथ में खाना भी लेकर आया। चल तू कुछ खा ले अब। हाँ मैं खाता हूँ, तू सो जा। और वो पगली सोई क्या? हाँ वो सो गई। अरे सुशांत, तुम यहाँ पर? मालती तुम यहाँ? मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। जिस दिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर बुलाकर मेरे अरमानों की चिता मेरे आंखों के सामने जलाई थी, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी दिन मैंने शहर छोड़ दिया था। अगर मेरी मां की जिम्मेदारी मुझ पे ना होती तो मैं कब का अपने आप को खत्म कर चुका होता। खैर पुरानी बातों को याद करने से क्या होगा, मेरा यहां का पता किसने दिया? तुम्हें पता है सुशांत, जिस दिन तुमने शहर छोड़ा था ना, उसके दूसरे ही दिन मैंने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी दौलत पर बहुत नाज था और मुझे अपने प्यार पर। खैर मिस्टर सुशांत चौधरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ के इंस्पेक्टर से मिलने आई हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड। सीबीआई ऑफिसर मालती शर्मा? हाँ सुशांत, मैं यहाँ एक सीक्रेट मिशन पे आई हूँ। हमें कुछ सोर्सेस से पता चला है कि ये शहर ड्रग्स की स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा है, और सुशांत फॉर इन्वेस्टिगेशन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे कोऑपरेट करो। आई विल, इट्स माय ड्यूटी मैम। तुम्हें पता है सुशांत, ब्लू नाइल होटल में जिस लड़की की लाश मिली थी वो हमारे पर्यटक संचार मंत्री नारायण प्रसाद अवस्थी के एक्स वाइफ की बेटी थी। What? हाँ, और वो ड्रग्स की बहुत बड़ी आदी थी, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है, ताकि मंत्री जी के नाम पर कोई आंच ना आए। और मैं आज ब्लू नाइल होटल में रूम नंबर 504 में ठहरी हूँ एज अ टूरिस्ट। यह है गंगा नदी, यहाँ पर हर शाम पूजा होती है मैडम। हाँ हाँ मुन्ना, और अरे देखो वहाँ पे। हाय। हाँ मैडम, यहाँ पे आओ। आता हूँ मैडम, एक मिनट। बोलिए मैडम, अब यहाँ कैसे? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी मुन्ना, मुझे थोड़ा घूमना था। अभी नहीं, अभी बाकी कस्टमर है ना, उनको छोड़कर आता हूँ, फिर निकलते हैं। चलो ठीक है, तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? कहाँ पे ठहरे हो आप, वहीं मिलते हैं। एक काम करो, तुम मुझे मंदिर के वहाँ मिलो, वहीं जहाँ हम लोग पहली बार मिले थे। ठीक है मैडम, वहीं मिलते हैं। ओके मैडम। ओके यार सुशांत, मैंने कल मुन्ना को एक लड़की के साथ देखा। वो मेरी कजन है। अच्छा, लंदन से जासूसी की तालीम हासिल करके आई है। मैंने उसे ये ड्रग्स का केस जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए दिया है। मैं उसे मिल सकती हूँ? आई विल नॉट एडवाइस यू। मुन्ना आया था क्या यहाँ पर? नहीं अभी तक तो नहीं आया। क्यों दीदी, क्या काम है? वो क्या है ना, मैंने उसे बुलाया था यहाँ पर। चलो ठीक है, तब तक मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ बैठो दीदी।
क्या नाम है तुम्हारा? गंगा। गंगा? हाँ। कितना प्यारा नाम है, किसने रखा? बाबा ने। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे बाबा? यही पे पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा, पुजारी है। और माँ? मेरी माँ नहीं है। Oh, I'm so sorry. तो फिर घर में कौन कौन है? मैं और मेरे बाबा। अच्छा, क्या बात है, मुन्ना नहीं आया अब तक, कहीं भूल तो नहीं क्या होगा? नहीं नहीं, आएगा ना, यहाँ नहीं आया तो बाबा के पास तो जरूर आएगा, हम सब लोग वहीं मिलते हैं ना। तुम सब लोग मतलब कौन कौन? मैं, पक्या, हरीश, टिल्लू और मुन्ना। अच्छा अच्छा, तो ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ तो एक काम करें, क्या वहीं चल देते हैं, इसी बहाने तुम्हारे दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। हाँ, और मुन्ना हाँ, भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो दीदी, चलो चलते हैं। बाबा आप ही समझाइए पक्या को, पढ़ लिख कर क्या होता है, मुन्ना को देखिए, उसे पढ़ना आता है तो वो गाइड बन गया, अपन को साला क्या आता है, सिर्फ गाड़ियां धोना। अरे कुछ नहीं होता है पढ़कर, और साला अब क्या करेगा पढ़कर, बड़ा सब तो बनेगा नहीं अपन, पढ़ने जाओ तो माँ बहन भूखा। मेरा बाप बोलता है मैं क्या क्या पढ़कर, नहीं रे अब बस। देख पकिया, तू भले ही पढ़ लिख कर बड़ा आदमी नहीं बन पाया, पर रहने को तो साफ सुथरा रह रहा है ना, अरे छोटा मोटा नौकरी तो मिलेगा। अरे बाबा वो बस्ती वाला भाई देखो क्या वो पढ़े, फिर भी क्या वट्टा है उसका, साला पुलिस वाले लोग भी इज्जत देता है उसको। क्या बाबा? क्या गंगा, आज जल्दी आ गई, और ये मैडम कौन है? मैडम मुन्ना को मिलने आई थी, वो बोला ठेले के पास आ जा, पर नहीं आया, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। अभी तक नहीं आया, क्या काम किया था? अरे कुछ नहीं। तो गंगा ये है तुम्हारे दोस्त? हाँ हाँ, ये है हरीश, ये गाड़ियाँ धोता है। अच्छा। ये है पक्या, ये बूट पॉलिश करता है, साथ में स्कूल भी जाता है और मुझे भी पढ़ाता है। हाँ पर अभी स्कूल नहीं जाता, छोड़ दिया मैंने स्कूल। क्यों, क्या हो गया? अरे अरे, ये हमारा सलमान, टिल्लू भाई, ये गैरेज में काम करता है। नमस्ते। और ये है हमारे बाबा, हम सबका ध्यान रखते हैं। नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटी, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? एनी। कहाँ से आई हो? अमेरिका से। तुम अमेरिका से हो फिर भी हमारी भाषा बोलती हो? अरे हम लोग हैं यहीं के, बस काम के सिलसिले में हमारी फैमिली अमेरिका में बस गई, और घर पे तो हम लोग यही भाषा में बात करते हैं। अरे मैडम आप यहाँ पे, अपन आपको मंदिर के पास ढूंढ रहा था, सोचा आप होटल चले गए होंगे तो इसलिए अपन यहाँ पे आया। ओह अरे क्या हुआ, मैं गंगा के साथ यहाँ पे आ गई, और देखो अच्छा ही हुआ ना, उसी बहाने सभी से मिलना हो गया। तो फिर कल चलते। कल? कल एक काम करना, योगा के बाद आना, और होटल में ही आना, वही मिल लेंगे। ठीक है, चलो फिर। नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ। ए पक्या, क्या हुआ रे? अरे उधर तेरा बाप पड़ा है। वो तो हमेशा ही होता है, नया क्या उसमें? वो लोग बोलते मर गया। क्या? तू चल जल्दी चल। कहाँ है? कहाँ? अरे वो नाले पर। हट जाओ, कौन मर गया? बाजू हट जाओ, हटो। अरे हट जाओ, अरे बाजू हट जाओ, हट जाओ। अरे क्या, मर गया साला। टिल्लू जा सबको बुला ला, बहुत बुरा हुआ, और साथ में ठेला भी लेके आ। ठीक है जा, हटो ये बाजू हटो। ये बहुत गलत हुआ भाई, साला दारू पी के मर गया होगा। अरे निकल जाओ तुम लोग, क्या देख रहे हो, निकल जाओ, ये अपुन का बाप है, अपुन का, मैं लेके जाएगा इसको। अरे एक बार बोला ना मैंने, मेरा बाप है, मैं लेके जाएगा इसको। क्या? ये कैसे? टिल्लका है, उसने ठेला लाया। बाजोड़ो, 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 हटो, हटो। टिल्लिया, हटो। मुन्ना, मुन्ना चल, मुन्ना, इसको इस पर डालते। उठो, 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 उठो। सब संभाल के। सरकाओ, सरकाओ। आराम से। सब सरकाओ, सरकाओ। ले चलो, उठा लो। हाँ बस,
चलो 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 जल्दी करो जल्दी जल्दी चलो हरीश आपसे अच्छा हुआ इसका बाप कल मर गया बहुत मारते थे इसकी माँ को साला इल्लू ऐसा नहीं बोलते अरे ठीक तो बोलते क्या फायदा था उसका अच्छा हुआ मर गया साला अरे तुम अरे मैं कल भी यहाँ आई थी कोई भी नहीं था और मुन्ना तुम भी नहीं आए इसका बाप कल मर गया अरे अब उन लोग उधर ही था इसलिए नहीं आया I'm very sorry अरे कैसे हुआ ये सब मुन्ना क्या हो गया क्या बात है मुन्ना एक काम आयला साथ चल अभी आ रहा है रुको ये कौन था अरे ये भाई का आदमी है मतलब छोड़ो ना कुछ नहीं अकिया अब तुम्हारे घर में कौन कौन है माँ और छोटी बहन इसे अपनी बहन बना के लेके जाने का कोई पूछे तो बोलने का कि अभी गांव से आई है पर लेके कहाँ जाना है होटल हनीमून रूम नंबर 13 एक आदमी रहेगा उधर उसी के पास छोड़ने का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस यहीं लाने का ठीक है उतरो चलो क्या हिंदी नहीं समझती चल क्या मुन्ना इतना परेशान क्यों है यार कल रात अपुन से एक बहुत बड़ी गलती हो गई भाई के एक आदमी ने अपुन को एक गूंगी लड़की को होटल में छोड़ने के लिए बोला मेरे को बहुत बुरा लगा यार जब से उसको छोड़ के आया हूं दिमाग में सिर्फ वही घूम रही है यार पेट के लिए हम लोग जिस तरह ड्रग्स का काम करते हैं उस तरह उसकी भी कोई मजबूरी होगी मुन्ना ये पेट की आग इंसान से न जाने क्या क्या काम करवाती है भैया तो बढ़िया चाय देना अदरक वाली हाँ हाँ अदरक वाली मिलेगी ये बहुत गंगा गंगा क्या दीदी भैया और एक चाय देना तुम ये फूलों की टोकरी कहाँ से लेकर आ रही हो और वो भी इतनी सुबह सुबह यही पास के बाजार से जल्दी नहीं जाएगा तो महंगा मिलेगा ना अच्छा दीदी मैं चलती है अब अपुन भी निकलता है मैडम तुम मुझे मैडम मत बोलो दीदी बोलो जैसे ये गंगा बोलती है ठीक है मैडम फिर मैडम नहीं दीदी हाँ ये हुई ना बात ठीक है अब तुम दोनों जाओ चलो छोटा मोटा धंधा चलते बड़ी प्यारी बच्ची है हाँ चलो सुबह से ही काम पर लग जाती है हर वक्त काम ही करती रहती है और नाम भी कितना प्यारा है गंगा गंगा तट पर हुई थी ना इसलिए नाम पड़ा गंगा गंगा तट पर क्यों मैं आपको पूरी बात बताता हूँ सुबह का वक्त था एक बड़ी सी गाड़ी यहाँ पर आई उसमें से एक औरत एक बच्ची के साथ उतरी और वो सीधा गंगा तट की ओर चली गई थोड़ी देर के बाद हमने देखा ना तो वहाँ पर वो गाड़ी थी ना वो औरत थी और ये छोटी बच्ची बहुत रो रही थी और फिर इसको हम लेकर बाबा के पास गए उन्होंने इसको अपने पास रख लिया और गंगा का प्रसाद समझ कर इसको गंगा नाम दिया अब सब लोग इसको गंगा के नाम से जानते हैं अरे डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून आप इंस्पेक्टर साहब आपने लड़की की रिपोर्ट के बारे में पूछा था हाँ पता चला कुछ या सी वाज ड्रगिस्ट वो काफी समय से ड्रग ले रही थी ओह आई सी मुझे और कोई जानकारी मिल जाती इंस्पेक्टर साहब तो मैं आपको फोन करता हूँ ओके थैंक यू सर मुन्ना फिर लड़कियों के साथ ये है रघुनाथ जी महाराज का प्राचीन मंदिर यहाँ पे आप जो भी मांगोगे सब मिलेगा आपको मांगो मेम साहब आप भी मांगो सच तो फिर मैं जरूर मांगूंगी जरूर कुछ गड़बड़ है मुन्ना को आज भी मैंने और लड़कियों के साथ देखा है तुम्हारा शक मुझे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रहा है मुझे तो पूरा यकीन है इस खून में मुन्ना का ही हाथ है
अरे बाबा पकिया नहीं आया अब तक? आ जाएगा कहीं इधर ही तो कहीं गया था वो। नमस्ते बाबा। हाँ नमस्ते, लगता है तुम्हें इन बच्चों के साथ बहुत प्यार हो गया है। अरे बहुत प्यारे बच्चे हैं ये सब। गंगा। हाँ बाबा। ये लो बेटा, ये इन सब में बांट दो, ये प्रसाद है। जी बाबा। अरे पक्या? क्या टिल्लू भाई। थैंक यू गंगा। ए गंगा मेरे को भी देना, बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, सब लोग साथ में बैठकर एक फोटो खिंचाते हैं। ओके कम ऑन बैठ। बाबा आप भी आ जाइए ना। आइए बाबा। ओके स्माइल प्लीज। यस। एम निकलते हैं, तुम लोग हंसो। कुछ पता चला? हाँ कल मुन्ना को मुक्तानंद स्वामी के आश्रम में जाते हुए देखा है। ठीक है कहाँ गए अपन लोग? अरे यही तो है एक्शन मूवी। मस्त मजा आएगा यार। पर टिल्ला को कैसे लेके जाएंगे? वही तो यार साले, अपुन भी आएगा। अरे टिल्लू तू समझ, तू नहीं आ सकता। अरे टिल्ला तो अभी छोटा है, अपुन लोग के साथ नहीं आ सकता। छोटा बेटा कुछ नहीं, तुम लोगों को अपुन को लेके नहीं जाने का है, मैं सब समझता है। जाओ तुम लोग, अपुन चलता है। चल। टिल्लू, टिल्लू, दीदी आप? अरे मैं तो बस यहाँ कुछ सामान लेने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लोग मेरे को छोड़ के एक्शन मूवी के लिए गया। क्या मतलब एक्शन मूवी देखने गया? ठीक है टिल्लू कोई बात नहीं, अब देखो इतनी रात हो गई है, तुम भी घर जाके सो जाओ। बाय बाय। देख दादी अब उन कैसा दिखता है, देख तो भाई के माफिक। हमें यहाँ के रॉबिन हुड, रॉबिन हुड पांडे। हाँ, अरे टिल्लू हाँ? क्या हो गया, देर बड़ी कर दी, क्या हुआ? वो क्या है ना अच्छा अच्छा जाओ अपना काम करो। हाँ, चलो। हाँ, हाँ। सुनना देने टेने का लग रहा है बिल्कुल दबंग माफिक। अरे हाँ आज टिल्लू नहाया क्या? तेरी तो। अरे फिल्म में सुना नाते क्या? देख भाई का मजाक नहीं, आज तो अपुन तेरे जिस्म में इतना छेद करेंगे कि भूल जाओगे कि बोले कहाँ से और पादे कहाँ से। अरे सलीम देख सलमान भड़क गया। साला तेरी तो। टिल्लू क्या है, क्या हो रहा है ये हैं? क्यों झगड़ा कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं, कुछ काम कर जाके। रूम नंबर 503 यहीं पे उसका रेप हुआ और यहाँ से उसे शायद फेंका गया या छठी मंजिल से फेंका गया। इसका मतलब कि ये कड़ा इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस रात कत्ल हुआ वहां और कोई भी था, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन होटल के मैनेजर ने झूठ क्यों बोला कि उस रात उस टूरिस्ट से सिर्फ मुन्ना मिलने आया था? हो सकता है मैनेजर भी इस कत्ल में शामिल हो और वो जानता हो इस लड़की का रेपिस्ट कौन है। लेकिन ये कड़ा मारवाड़ी औरतें पहनती हैं, मैंने आज तक किसी मर्द को ये कड़ा नहीं पहनते हुए देखा, और अगर कोई औरत वहां थी तो रेप का सवाल ही नहीं बनता। तो अब सारे सवालों के जवाब मैनेजर देगा, हमें उस पर सिकंजा कसना होगा।
गुड मॉर्निंग सर। कहिए क्या लेंगे, चाय कॉफी या कुछ और? देखिए मैनेजर, हम यहाँ पर यही जानने आए हैं कि आपके होटल में कुछ और क्या क्या होता है। जिस रात कत्ल हुआ उस रात उस लड़की के साथ मुन्ना के अलावा भी कोई आया था जिसने उसका रेप किया और उसके बाद उसे छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया, ऐसे सबूत मिले हैं हमें। मैं कुछ समझा नहीं सर। अभी समझ में आ जाएगा, ये देखिए। कुछ याद आया? नहीं सर। मैनेजर यू हैव टू कोऑपरेट अस, अदरवाइज हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब हम यहाँ पे नौकर आदमी हैं, हमें यहाँ पे नजरें नीचे रख के काम करने का हुक्म है। नजरें ऊपर करके काम करने का मतलब मौत को दावत देना। देखिए अगर आप हमें। रुको, आप घबराइए मत सुशांत, मुझे नहीं लगता इसे कुछ पता है। ठीक है मैनेजर, आप जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमसे पूछे बगैर इस शहर को छोड़ नहीं सकते। जी सर, थैंक यू सर। अरे मैडम आप नहीं जानती नाराम करों को। अरे जब पुलिस का हाथ पड़ेगा तब सब बराबर बोलेगा। चले ले चले इसको पुलिस स्टेशन। मैं नहीं चुराया। अब चुप साले, तुमको भी स्टेशन आना पड़ेगा। चलो, चलो। अरे नहीं सर, एक मिनट रुकिए सर। टिल्लू तुमने पास चुराया है? तलाशी लो उसकी। ये रहा पर्स। थाने चलो, कंप्लेन लिखाओ, कल देखेंगे इसको। अरे सर कोई गलत फहमी है सर, ये नहीं कर सकता ऐसा सर। इसने किया है, पढ़ सामने। अच्छा सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये छोटा बच्चा है, आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखाओगे इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा सर। इसके घर पे एक अंधी दादी है, उसकी देखभाल कौन करेगा? सर प्लीज माफ कर दीजिए सर इसे, प्लीज सर। चलो ठीक है मैडम, मैं अपना पर्स ले चलता हूँ। ठीक है सर। जी सर सॉरी। टिल्लू तुम तो अच्छा काम करते हो ना, फिर तुमने ये क्यों किया? टिल्लू कुछ बोलो। हाँ ऐसा काम क्यों किया तुमने? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं करना चाहता था, पर मैं जहाँ काम करता था वो काम छूट गया। लेकिन तुम तो वहाँ अच्छा काम करते थे, फिर क्या हुआ? एक दिन गैरेज में तो बड़ा साहब लोग आया, मैं उधर ही काम कर रहा था। मेरे को पूछा तेरा उम्र क्या, मैं बोला मालूम नहीं। वो बोला आज नहीं पड़ेगा तो आगे जाकर चोरी चकरी करेगा। मैं बोला काय को? वो बोला सरकार का हुक्म है, बचा लो काम नहीं करने का। उसे चोरी चकरी करेगा फिर जुर्म बढ़ेगा। वो मेरा नाम पूछा, कहाँ रहता है पूछा। मैं बोला इधर बस्ती में। वो लिख लिया और वो बोला सरकार तुम्हारे वास्ते कुछ करेगा। सरकार ने कुछ दिया क्या? दिया ना 7 दिन की भूख और चोरी करने का रास्ता। बोल देना साहब। चलो भाई फूल। कैसी हो गंगा? ठीक हो? फूल बैठना दीदी। आ जाना। अरे टिल्लू कैसा लग रहा है? एकदम जकास, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, शाम को बाबा के यहाँ पे आओगे ना तो जल्दी आना और सबको लेते हुए आना। क्यों दीदी? अभी नहीं, सब शाम को। जिस मनुष्य के पास ज्ञान है और यदि वो ज्ञान नहीं बांटता तो वो अनर्थ है, उसका जीवन अनर्थ है, और जिसका जीवन अनर्थ है उसको मुक्ति कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए हरिओम 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 हरिओम। आज से हम लोग कुछ नया करेंगे, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखते हैं। क्या करने का पढ़ लिख कर? नौकरी तो हमें कोई देगा नहीं, फिर काय को पढ़ने का? अरे
देखो मैं तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर कोई डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं बनाना चाहती, और मुझे ये भी पता है कि मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ लिख कर अपने आस पास की इस खूबसूरत दुनिया को जानो, इसे महसूस करो। अलग अलग किताबें हैं, उन्हें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाओ। और उससे क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा, उससे तुम्हारी सोच बदलेगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ आएगी, एक नई उम्मीद जागेगी, अलग पहचान बनेगी तुम्हारी। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इससे तुम अच्छे से रहना और बात करना सीखोगे। नहीं दीदी, हम पढ़ेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। ए पक्या, तू एड़ा है क्या? दीदी अच्छा बोलती है, पर क्या बोलती है नहीं समझा, फिर भी अपन लोग पढ़ेंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। A for apple. A for apple. ये apple क्या होता है दीदी? Apple, apple यानी सेब, ठीक है? हाँ। आगे बढ़ते हैं। B for ball. C for cat. B for ball. C for cat. हाँ। D for dog. माने कुत्ता। एक बात बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा। अरे मुन्ना आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ पढ़ो। नहीं, अपन यही ठीक है। ठीक है। A for apple, B for ball, C for cat and D for dog. आज के लिए तो काफी है। मुन्ना देख कैसा अच्छा लग रहा है, हम पढ़ेंगे। A for apple ना, और B for क्या दीदी? B for ball. अच्छा मुन्ना, बात क्या है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या करना है पढ़कर? A for apple, B for ball. यहाँ तो सिर्फ यही चलता है, A for abbey, B for bay. H for रामखोर, Z for, और ना जाने क्या क्या। मुन्ना ऐसी बात नहीं है, देखो पढ़ लिख कर तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ आएगी तुम्हें। क्या समझना है और क्या नॉलेज बढ़ानी है? हम सबको पता है कि यहाँ पे शिव का मंदिर है जो बना था 1800 साल पहले, वो है गंगा, वहाँ पर नहाने से पाप धुलते हैं, और वो है माता का मंदिर। और क्या नॉलेज बढ़ानी है, इतिहास तो वही है, पता नहीं क्या सच और क्या झूठ, हमने जो सुना वही चे सब, और क्या नॉलेज बढ़ाऊँ। मंदिर भी है, गंगा भी है, और हम भी हैं, बदलते हैं लोग सुनने वाले। मुन्ना मुन्ना तुम बहुत परेशान लग रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, या फिर तुम्हें पढ़ाई से ही नफरत है? मैं बहुत अच्छा पढ़ता था, बाबा कहते थे कि बड़ा होकर अफसर बने, फिर हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो आगे क्या हुआ? एक दिन बाबा घर पर कारीगरी कर रहे थे, बहुत अच्छे गहने बनाते थे वो, अचानक से घर पर आग लगी, कुछ समझने से पहले ही सब कुछ खत्म। मैं उस समय स्कूल में था इसलिए बच गया, और एक दिन चाचा ने भी निकाल दिया, बस फिर आ गया यहाँ पे। सब जानते हैं मुझे यहाँ पे, मुन्ना गाइड सबसे तेज। अरे मुन्ना, मुन्ना क्या हो रहा है तुझे? अरे मुन्ना तुझे तो बुखार है। तीन चार दिनों से खास रहा है। मैं बोला डॉक्टर के पास चल, तू नहीं बोला, आप ही समझाइए इसे, ये मेरा तो नहीं सुनता। मुन्ना एक काम करो, कल तो मुझे हॉस्पिटल के पास मिलना, और सुबह जल्दी आ जाना। ठीक है। हरिओ 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 ओ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते बालिके, प्रसन्न रहो, क्या नाम है तुम्हारा? गंगा। गंगा, अति सुंदर अति सुंदर, यहाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं स्वामी जी, सब आपका आशीर्वाद। अति सुंदर अति सुंदर। पूर्णानंद जी, स्वामी जी बालिके को प्रसाद तो दो। यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो
कोई कष्ट हो तो इसके अंदर मेरा दूरभाष नंबर लिखा हुआ है, सीधा संपर्क बना सकती हो। तुम्हें पता है मुन्ना, उन्होंने मुझे प्रसाद के साथ इस लिफाफे में 500 रुपए भी दिए और बोले कोई तकलीफ हो तो फोन कर लेना। देख, तू कभी उस आश्रम में नहीं जाएगी और ना ही कभी फोन करेगी, समझी ना? लेकिन काय को मुन्ना, तेरे को बोला ना, वो लोग अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन मेरे को तो वो बहुत अच्छे लगे, तेरे को पता है उनके पास बहुत पैसा है। स्वामी जी जाते वक्त ना मैंने उनके पैरों में सोने के बड़े बड़े कड़े देखे। गंगा, इस कड़े को पहचानती हो? हाँ, ये कड़ा मैंने मुक्ता स्वामी जी के पैरों में देखा था। साहब, ये कड़ा आपको कहाँ से मिला? ये कड़ा हमें ब्लू नाइल होटल की 5वीं मंजिल से मिला, जहाँ उस लड़की का खून हुआ था। हाँ? क्या? या? इससे साफ जाहिर होता है कि उस रात स्वामी मुक्तानंद भी वहीं था। लड़की के रूम से ड्रग्स का मिलना और उसका रेप होना और उसके बाद उसका 5वीं मंजिल से कूद जाना, इन सारे वारदातों की कड़ी सिर्फ मुक्तानंद पर जाकर रुकती है। अब हमारा टारगेट होगा सिर्फ मुक्तानंद, हमें उसके आश्रम पर धावा बोलना होगा। इतना ध्यान रखना, मुक्तानंद कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ सुशांत, हमें जो कुछ भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, ये इसे दे दीजिएगा और इसका एक बार ब्लड चेकअप करवा लीजिएगा। कायको, क्या हुआ है मुझे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्लड चेकअप हो जाए। बाजू वाले रूम में इनका ब्लड चेकअप करवा लीजिएगा और रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिएगा। ओके डॉक्टर, अब तुम आराम करो, हम रिपोर्ट्स कल देखेंगे। खून क्यों लिया पर? अरे इतना मत सोचो, चलो। अरे क्या हुआ मुन्ना, क्या बोला डॉक्टर? दवाई दिया? हाँ, पर वो खून लिया यार। काय को? खाली बुखार है बोलने का, खून काय को दिया? अरे दीदी ने बोला खून दे तो मैं खून दिया। लगता है मैं बहुत तेज बीमार है। नहीं रे, ये खा ले, बाबा ने प्रसाद दिया है तेरे लिए, खा ले, ठीक हो जाएगा। अरे कई दिन से तो मैं काम पे ही नहीं गया, सुबह जल्दी जाना तो उठा देना। हाँ उठा दूंगा। हाँ चल अब सो जा। एक्सक्यूज मी मैडम, रिपोर्ट रेडी है। नाम क्या है? मुन्ना। ये लो, डॉक्टर को दिखाओ। थैंक यू मैडम। चलो। ओह माय गॉड, क्या हुआ दीदी? ज्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जरा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ठीक है। हेलो डॉक्टर सिन्हा। इंस्पेक्टर साहब, एक बुरी खबर है। जिस दिन लड़की का खून हुआ, मेडिकल रिपोर्ट से पता चला उस लड़की को एड्स था। शी वाज सफरिंग फ्रॉम एड्स। क्या क्या हुआ? जिस लड़की का होटल में कत्ल हुआ उसे एड्स था। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो भी उसके संपर्क में आया उन सबकी जिंदगी खतरे में है। मे आई कम इन डॉक्टर? प्लीज कम इन, प्लीज हैव अ सिट। डॉक्टर, कल हमने ये ब्लड टेस्ट कराई थी और उसके रिपोर्ट में लिखा है कि डॉक्टर प्लीज एक बार देख लीजिए। देखिए, इसकी रिपोर्ट को देख करके लगता है कि इसको एड्स हुआ है। ये कितने साल का है? डॉक्टर वो तो बस 15-16 साल का है। क्या आपने पूछा था कि क्या हुआ था? नहीं सर, मैंने पूछा नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोचते होंगे। देखिए, एड्स होने की 3 प्रमुख वजह है।
जिसमें कि नंबर एक है एचआईवी बाधित माँ से होने वाले बच्चे को एड्स हो सकता है, नंबर दो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स हो सकता है, और नंबर तीन एचआईवी पॉजिटिव मर्द या स्त्री से संबंध रखने से भी एड्स हो सकता है। क्या आपने उससे पूछा था कि क्या हुआ था? नहीं डॉक्टर, मैंने नहीं पूछा था। थैंक यू। ओके दीदी, क्या बोले डॉक्टर? कुछ नहीं मुन्ना, तुम इसके पहले कभी बीमार हुए थे? कैकू, मैं तो इससे पहले कभी बीमार पड़ा ही नहीं, ये तो पहली बार है। ऊपर से उन्होंने खून भी ले लिया। पर क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, चलो। सब गड़बड़ कर दिया, कहीं पार्टी के आदमी को मालूम पड़ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अवस्थी जी, मैं और ज्यादा दिन आपके बेटी की रिपोर्ट को नहीं रोक सकती थी। वो इंस्पेक्टर सुशांत बार बार डॉक्टर से पूछताछ कर रहा था, आखिर में डॉक्टर को बताना पड़ा। इलेक्शन सर पे है, कहीं अपोजिशन वालों को मालूम पड़ गया कि मेरी बेटी को एड्स था तो मेरी सारी बनी बनाई इज्जत धूल में मिल जाएगी। अरे नहीं नेताजी, आप बेफिक्र रहिए, हम सारी कार्रवाई सीक्रेट रख रहे हैं। ओके, गेट लॉस। मुन्ना, क्या तुमने कभी किसी का खून लिया है? नहीं। देखो मुन्ना, मुझे सब कुछ सच सच बताना, क्या तुम्हारा कभी किसी औरत या मर्द के साथ कोई संबंध हुआ है? ये क्या पूछ रहे हो आप? क्या हुआ है मुझे? मुन्ना, ये जो बीमारी तुम्हें हुई है ना, इसका एक बड़ा कारण ये भी है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जो है मुझे सच सच बताओ। घबराओ नहीं मुन्ना, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, या फिर कभी किसी ने कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? मुन्ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझे जो है खुल के बताओ। बताओ मुन्ना। हाँ, एक बार एक मेम साहब आई थी यहाँ पे। मुन्ना, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है मैडम। मुन्ना, इट्स अ वेरी लवली प्लेस, आई लाइक इट। मैडम, इस जगह को ना सब लोग स्वर्ग कहते हैं। अच्छा, और तुम्हें कहाँ स्वर्ग दिखाई देगा? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ ड्रग्स कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ना सब मिलता है मैडम, अब चलो मेरे साथ। जो सेवक अपनी माता पिता की सेवा करता है, अच्छे मन से सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है अच्छे हृदय से, उसी का जीवन सदा सुखी रहता है। कोई शंका नहीं है इसमें, कोई शंका नहीं। हमेशा सभी को चार अवस्थाओं में खास ध्यान रखना चाहिए, जहां उसके बिगड़ने की शंका बहुत ज्यादा होती है। पहला है धन, दूसरा है लालच, अधिकार और जवानी, और जिसका जीवन काम वासना से लिप्त है उसको तो देखकर ही अपशगुन होता है। इसलिए काम वासना पर बहुत ज्यादा ध्यान से मलपूर्ण उस पर अपना संयम रखना चाहिए। आप लोग यहां आराम से बैठिए, स्वामी जी अभी आते ही होंगे, बैठिए। हरिओम। हरिओम। नमस्कार स्वामी जी। क्या हाल है मुन्ना? ठीक हूँ। बैठो। Tell me young lady, how can I help you? स्वामी जी, इनको ना ड्रग्स चाहिए। Near about 20 packets. Oh my goodness, 20 packets? Cash लाई हैं? Yes. Okay. पुनानंद? आया स्वामी जी। What would you like to have, a cup of tea or coffee? No, I don't want anything.
हरिओ कैश ले लो। ये लीजिए $20,000। हाँ थैंक यू। चेक दिस। वेयर आर यू स्टेइंग? ब्लू नाइल 503। ब्लू नाइल 503। मुन्ना दिस इज अ माय रूम। नाइस ना? हाँ। तुम एक काम करो, यहाँ पे बैठो और मैं फ्रेश होके आती हूँ। ओके ठीक है। मैं जा रहा हूँ मैडम जी। घबराओ मत, अंदर आ जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ मैडम जी। आ जाओ। अरे आओ, कम ऑन, मूव योर शर्ट। नहीं 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 मैडम जी, मुझे जाने दीजिए। उसी ने अपुन के साथ गलत किया, इसमें अपुन की क्या गलती है? लेकिन मुझे हुआ क्या है दीदी? नहीं नहीं नहीं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आपने गंगा के बारे में पता करने के लिए कहा था, उसे मंदिर के बाबा ने पाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है कि उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, यानी कि नो लफड़ा। नो लफड़ा? और तो कोई नहीं स्वामी जी, उसके चार दोस्त हैं जो गाइड का काम करते हैं। अरे वो तो अपने ही बच्चे हैं, हमसे सामान लेके जाते हैं। उनकी फिक्र मत करो, बस ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। जी स्वामी जी। अच्छा। मुन्ना तूने दवाई खाया? जा घर में आराम कर। मैं ये ठीक है, तुम लोग जा। मुन्ना भाई ने बोला ये माल उधर देने का है, काला रूम पर वहीं भाई आने वाला है। मैं बोला भाई को तू बीमार है, भाई बोला जाके देख। कहाँ देना है? वो मार्केट वाली गली में। मैं देख चलता हूँ। मार्केट वाली गली पर देख रहा, जल्दी। अच्छा पक्के को भी लेके जाता है। जल्दी जा। हाँ बहुत तेज चर्जन जाता है। ये लो मुन्ना ने भेजा है। बहुत अच्छा माल है साहब, हमको छोड़ दो साहब। साहब पता नहीं साला भड़वालों की धंधा करता है, माल कौन दिया रे? साहब पता नहीं साहब। हाँ साहब हमको छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया तो ये माल कहाँ से है? साला पाप लोगों से शान पत्ती दिखाता है। चलो डालो इनको अंदर, कल कोर्ट में देखेंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। ले मुन्ना खाना, थोड़ा खा ले।
क्या मुन्ना, तूने दवाई भी नहीं खाई? नहीं गंगा, अपन की वजह से ही दोनों जेल गए, मैं ही जिम्मेदार हूँ। बस दो महीना होने को आया, वो सांप लोग बोला वो लोग आ जाएंगे। चल तू पहले खाना खा ले, अच्छा लगेगा। मुन्ना, ए मुन्ना, देख बाबा तेरे को प्रसाद दिया, वो बोले मुन्ना को खिला दे, तू ठीक हो जाएगा। मैं खा लेगा, तुम दोनों काम के लिए जाओ। ठीक है। ले मुन्ना, थोड़ा खाना खा ले। बहुत अच्छा है। मुन्ना, हर्ष क्या? तुझे कहाँ गया? हाँ। मुन्ना, तू कैसा है? तेरी बहुत याद आई। तू बीमार है ना? अपन की वजह से तुम दोनों अंदर गया। साला वो भी दगा दिया अपन को। अरे वो छोड़ ना यार। अपुन ना अंदर कुछ नया सोचा है। क्या सोचा तुम लोग? कुछ नया करना है। वहाँ एक माता का मंदिर है, उसे राजा ने बनाया था। वहाँ एक माता का मंदिर है, वहाँ जो मांगते हैं सब मिलता है। अरे मुन्ना, मुन्ना मुन्ना क्या हुआ? क्या हुआ? मुन्ना क्या हुआ? मुन्ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये जरा इसे जल्दी देख लीजिएगा डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, गंगा गंगा कल रात से घर नहीं आई। व्हाट? तुम घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा। क्या हुआ सुशांत? गंगा कल रात से गायब है, शायद उसका किडनैप हुआ है। व्हाट? डैम, लेकिन सुशांत हमारे पास आश्रम के खिलाफ तो सारे सबूत हैं, तो फिर उस पे अटैक करने में देरी क्यों? ठीक है, चलो। चार दिन से खांसी रुक नहीं रही है, ये डॉक्टर को चेंज करो। जी स्वामी जी। ओ गंगा का क्या हुआ? स्वामी जी, हमने उसे अगवा कर लिया है और तहखाने में बाकी लड़कियों के साथ रखा हुआ है। गुड, वेरी नाइस। उसका क्या हुआ यार शेख का? वो कल शाम को आ रहा है स्वामी जी, और उसको समय के अनुसार डिलीवरी दे दी जाएगी। स्वामी जी, एक बात का पता चला है। क्या? वो जिस लड़की का खून हुआ था ना होटल में, वो आपके मित्र नेता नारायण प्रसाद अवस्थी की बेटी है। क्या? इतनी जल्दी भूल गई? मुक्तानंद। हरिओम हरिओम। लोगों को मुक्ति देना हमारा परम कर्तव्य है। कुत्ते, कमीने, दरिंदे, तू जानता नहीं मेरे को, मैं तेरा सारा भांडा फोड़ के रहूंगी। मेरा भांडा फोड़ेगी? कुत्ते, चोर। मेरा भांडा फोड़ने चली थी तू? चोर, मुझे चोर। प्लीज हेल्प मी, बचाओ मुझे, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, बचाओ, हेल्प मी, बचाओ।
मुझे बचाओ प्लीज। मच के कहाँ जाएगी तू? बचाओ, 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 बचाओ। मच के कहाँ जाएगी तू? मच के कहाँ जाएगी तू? बचाओ, मच के कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी बच के? नारायण अवस्थी की बेटी? क्या ये उस कमीने की हरकत होगी? आप कुछ कीजिए, वो मेरी गंगा को कहीं बाहर भेज देगा। मैं उस कमीने को जानता हूँ। ठीक है, चलो मालती, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या मुक्तानंद स्वामी मेरी बेटी के साथ गलत काम किया? मंत्रालय में फोन लगाओ। किशन जी, मुक्तानंद स्वामी के आश्रम पर रेड करो। मुक्तानंद, हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुक्तानंद स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, पुलिस! स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, पुलिस ने आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया है, वो इधर ही आ रहे हैं। शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये जरूर उस नारायण अवस्थी का काम होगा, उसे अपनी बेटी के बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल भागो यहाँ से। भागो, 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 चलो, भागो, 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 जल्दी। लगता है सब भाग गए। जी साहब, निकालो इन पाखंडियों को बाहर। आश्रम के चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचना नहीं चाहिए यहाँ से। सर, ये देखिए। कम ऑन। पता, पता वो लोग कहाँ गए हैं? मुझे कुछ भी मालूम नहीं, वो सब लोग जंगल की तरफ गए। लगता है वो लोग अंदर छुप गए। ये भाई, तुम लोग इधर जाओ, चलो भागो, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो। मुक्तानंद, मुझे छोड़ के भाग गए। मुक्तानंद कौन? अवस्थी जी? हाँ मैं, मुझे मालूम था कि तू पिछले दरवाजे से ही आएगा, जहां तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। कमीने, मेरी बेटी के साथ ही मुंह काला किया? अवस्थी जी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो आपकी बेटी है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो आपकी बेटी है। मुझे क्षमा करें। माफी तो तू मेरी बेटी से ऊपर जाके ही मांगना। कमीने, मेरी बेटी के साथ ही मुंह काला किया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, हमारी बिली हमी से म्याओ, हमें मारने चला था नारायण अवस्थी। हरियो कमीने, फेंक बंदूक नीचे, फेंक। मुन्ना, ये क्या कर रहा तू? बंदूक नीचे फेंक। अरे अरे अरे, हटा इसे, हटा। बोल गंगा कहाँ है, वरना ये छह की छह गोलियां घुसाड़ दूंगा तेरे भेजे में। अरे आगे तू? अरे अरे, बताता हूँ, ये फेंक। अरे अरे, इसको इसको हटा, ये चल जाएगी। चल मेरे साथ। हाँ हाँ, चल 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 चल। हैंड्स अप, रेस्ट कर लो इन सबको। रुक, सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर लो। बता मुक्तानंद कहाँ है?
मुझे कुछ मालूम नहीं सर। मुक्तानंद कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। किधर है गंगा? मुन्ना मैं बताता हूँ, संभल के। गंगा? मुक्तानंद स्वामी कोई हरकत मत करना, गोली मार दूंगा मैं। गंगा तो ठीक है ना? मैं सच में गोली मार दूंगा। नहीं नहीं गंगा, मुन्ना मैंने गंगा को छोड़ दिया, मुझे छोड़ दे। नहीं मुन्ना, इस कमीने को छोड़ना मत, ये मुझे दुबई भेजने वाला था। क्या तू मेरी गंगा को दुबई भेजेगा? ना ना, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुन्ना देखो, मैंने मैंने गंगा को छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दो। मुन्ना ना, मुन्ना मुन्ना ना, मारो मत। मुन्ना मुन्ना क्या हुआ तेरे को? मुन्ना 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 क्या हुआ तेरे को? मुन्ना मुन्ना इंस्पेक्टर, लगता है मुक्तानंद तो मुक्त हो गया। मुन्ना 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 क्या हुआ तेरे को? मुन्ना यस, एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। ओके मुन्ना, मुन्ना कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुन्ना क्या हुआ तेरे को? मुन्ना 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 पता ना, मुन्ना मुन्ना क्या हो रहा है? मुन्ना 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 क्या हो रहा है? मुन्ना 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 बोल मुन्ना कहाँ चला ए दोस्त ये जहाँ अपनी दुनिया छोड़ कर है कसम लौट आ ऐसे न जा जिंदगी में था तेरा सहारा, मौत की कश्ती का न जाने कौन सा किनारा। एक दिन
इच्छाओं थी अपने दोस्ती की, गम में भी कई खुशियाँ थी अपने सपनों की, आंसुओं की बरसात में वो कहानी बह गई, बीते दिन भी वो जल रहे हैं आग जो दिल में लगी, कहाँ चला अपनी दुनिया छोड़कर, है कसम लौट आ ऐसे न जा तू, यूं मुंह मोड़ कर कहाँ चला है दोस्त ये जहाँ अपनी दुनिया छोड़।